नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेएसएम आईआईटी एंड मेडिकल हब। और आज का हमारा टॉपिक है लीथर। इथर का लेक्चर टू हम देख रहे हैं, जिसमें हम आज देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ इथर। एंड यू ऑल नो वेरी वेल देयर आर द टू सिस्टम्स ऑफ नोमेनक्लेचर। एक होती है कॉमन सिस्टम और दूसरी होती है आईयूपीएसी सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन सिस्टम में उसका नाम कैसे लिखते हैं, कॉमन नेम्स हम उनको कहते हैं। लेकिन इसके पहले एक टॉपिक मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जितने भी जेएसएम के स्टूडेंट्स हैं, तो उन सभी ने जितने भी टॉपिक्स के ऊपर मैं लेक्चर डाल रहा हूँ, तो जनरली चार यूनिट अभी कंटिन्यूसली शुरू है हमारे। एक है एस ब्लॉक एलिमेंट, उस दूसरा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तीसरा है अल्कोहल फेनॉल ईथर का भी हम ईथर टॉपिक पढ़ रहे हैं, फेनॉल हमने इसके पहले कंप्लीट किया, तीन, और चौथा है सॉल्यूशन और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये सभी टॉपिक सभी बच्चों ने प्रिपेयर करने हैं, बोर्ड्स वाले, एंट्रेंस वाले, सभी बच्चे, ठीक है। और आपके पास इसकी लिंक आते ही ये आपको पता चलती है, आपके अदर फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करो, सो दैट ये लॉकडाउन का जो पीरियड है ये अभी फिक्स नहीं है, ये बढ़ भी सकता है। और इसलिए क्या है कि आपको जब तक लॉकडाउन रहेगा, वो 14 अप्रैल तक रहो या और जब तक लॉकडाउन रहेगा, तब तक आपके सभी आपका जो समय है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, वो समय क्या होना चाहिए, यूटिलाइज होना चाहिए। तो इसलिए आपको सबको ये रेगुलरली रोज के दो वीडियो लेक्चर्स मैं डाल रहा हूँ, वो सभी लेक्चर्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, नोटबुक में लिखने हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करने हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करना है और अच्छे से पढ़ाई करना है, टाइम को वेस्ट नहीं जाने देना है, ठीक है। ये हमारे देश के ऊपर एक बहुत बड़ी संकट की घड़ी है, लेकिन इस संकट के ऊपर भी हमें सिर्फ घर पर रह के ही ये जंग लड़नी है और टॉपिक को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, पढ़ाई करनी है, तभी हम जीतेंगे। सो अभी मैं टॉपिक के ऊपर बढ़ता हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉमन नेम। यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट द व्हाट देयर आर टू सिस्टम, कॉमन सिस्टम एंड आईयूपीएसी सिस्टम। तो हम पहले देख रहे हैं कॉमन नेम्स। अब कॉमन नेम किसका कॉमन नेम देख रहे हैं हम, ईथर का। आप सबको पता है ईथर का फॉर्मूला होता है R O R। तो ईथर का अगर हमें कॉमन नेम लिखना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये जो R है दैट इज कॉल्ड अल्किल ग्रुप, इस अल्किल ग्रुप का कॉमन नेम हमें आना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले हम देखेंगे अल्किल ग्रुप के कॉमन नेम। अब हमारे पास अलग अलग अल्किल ग्रुप है, तो फर्स्ट वी सी द कॉमन नेम्स ऑफ अल्किल ग्रुप। जैसे ऐसा अल्किल ग्रुप जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन है, उसको हम कहते हैं मिथिल, दैट इज CH3। आप सब अपने बुक में लिख भी लेंगे और अच्छे से इसको लर्न भी कर लेंगे, कॉमन नेम्स ऑफ अल्किल ग्रुप। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इथर का नाम लिखने के लिए नहीं, बहुत सारे कंपाउंड है, अल्कोहल है, अल्किल हैलाइड है, बहुत सारे कंपाउंड का कॉमन नेम लिखने के लिए अल्किल ग्रुप का नाम आपको लर्न होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हम सबसे पहले देखेंगे अभी CH3, एक कार्बन वाला जो अल्किल ग्रुप होता है उसका नाम है मिथिल। उसके बाद दो कार्बन वाला जो अल्किल ग्रुप है CH3 CH2, उसका नाम है इथिल। एक कार्बन वाले का नाम है मिथिल, दो कार्बन वाले का नाम है इथिल। उसके बाद तीन कार्बन वाले में दो पॉसिबल है, हमें पता है दिस कार्बन, एक दो तीन, तीन कार्बन है, बट ये जो डैश है, ये डैश अगर प्राइमरी कार्बन को लगी रही और वहां पे अगर क्या है स्ट्रेट चेन, यू कैन सी दिस इज अ स्ट्रेट चेन एंड डैश इज अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन। इफ देयर इज डैश इज अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन एंड देयर इज स्ट्रेट चेन, तो हम उसको कहते हैं एन प्रोपिल। ध्यान में रखना एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल, तो हम किसी को भी एन कब कहेंगे, एन हम तो तब कहेंगे जब वहां पे कौन सी चेन होंगी, स्ट्रेट चेन एंड डैश इज अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन एटम, तब हम उसको कहेंगे एन अल्किल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डैश इज अटैच टू प्राइमरी कार्बन का, चेन में कार्बन तीन है इसलिए प्रोपिल, इसका नाम हो गया एन प्रोपिल। लेकिन अगर यहाँ पे भी आप देख सकते हो कितने कार्बन है, तीन। अब यहाँ पे CH3 CCH3, तो हियर आल्सो डैश इज अटैच टू विच कार्बन, इट इज नॉट अटैच टू प्राइमरी कार्बन, इट इज अटैच टू सेकेंडरी कार्बन, लेकिन कार्बन कितने हैं, तीन, सो वी कैन से इट इज द सेकेंडरी प्रोपिल, इट इज द सेकेंडरी प्रोपिल। इस अल्किल ग्रुप को हम कहते हैं सेकेंडरी प्रोपिल अल्किल ग्रुप। कौन सा अल्किल ग्रुप कहेंगे हम इसको, सेकेंडरी प्रोपिल अल्किल ग्रुप।
तो इसी तरह हमने इसको प्राइमरी मतलब प्राइमरी कार्बन को लगाए और स्टेट चेन है तो एन प्रोपिल कहेंगे, अगर सेकेंडरी कार्बन को लगाए तो सेकेंडरी प्रोपिल कहेंगे। और एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, इधर से गिनना है, ये सी एच थ्री मतलब फर्स्ट कार्बन और ये सेकंड कार्बन, सेकंड कार्बन पे अगर एक सी एच थ्री मतलब कौन सा ग्रुप, मिथिल ग्रुप, सेकंड कार्बन पे अगर एक मिथिल ग्रुप लगा है तो उसको कहते हैं आइसो। क्या कहते हैं? आइसो। ध्यान में रखना ये कॉन्सेप्ट, सबने अच्छे से ध्यान में रखेंगे, सेकंड नंबर कार्बन वन मिथिल ग्रुप तो इट इज कॉल्ड आइसो। क्या कॉन्सेप्ट है? वंस मोर, सेकंड नंबर कार्बन वन मिथिल ग्रुप देन इट इज कॉल्ड आइसो। एंड एज हियर यू कैन सी इन दिस कंपाउंड सेकंड नंबर कार्बन पे क्या लगा है, एक मिथिल ग्रुप लगा है और इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, आइसो। सो ध्यान में रखेंगे सेकंड नंबर कार्बन वन मिथिल ग्रुप तो आइसो और इसलिए इस कंपाउंड का नाम होगा, तीन कार्बन है इसलिए प्रोपिल, सो इट्स नेम इज आइसो प्रोपिल। क्या नाम रहेगा कंपाउंड का? आइसो प्रोपिल। सो नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी आइसो प्रोपिल। तो इस तरह यहाँ पे हमें मिला इट इज अ सेकेंडरी प्रोपिल और वी कैन से इट इज द आइसो प्रोपिल। ठीक है, अब ये हमें आइसो प्रोपिल मिल गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे कितने कार्बन है, चार, चार कार्बन वाले को हम ब्यूटील कहते हैं। लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकते हो डैश इज अटैच टू विच कार्बन, प्राइमरी कार्बन, एज डैश इज अटैच टू प्राइमरी कार्बन सो इट इज द विच ब्यूटील, एन ब्यूटील। क्या है ये? एन ब्यूटील। तो इस तरह हमारे पास अलग अलग कंपाउंड्स हैं एन ब्यूटील। अब ये ब्यूटील में भी अलग अलग वेराइटी है, अगर डैश इज अटैच टू सेकेंडरी कार्बन, अब मैं इसमें ही बना के दिखाता हियर, अभी यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया लेकिन यहाँ पे अगर मैंने डैश लगा दी तो डैश इज अटैच टू सेकेंडरी कार्बन, कार्बन तो चार ही है लेकिन डैश इज अटैच टू सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन को लगा है और इसलिए हम इसको कहेंगे सेकेंडरी ब्यूटील। क्या कहेंगे हम इसको? सेकेंडरी ब्यूटील। तो इस तरह हमारे पास जो अलग अलग कंपाउंड्स है एन ब्यूटील, सेकेंडरी ब्यूटील, ब्यूटील में और एक कंपाउंड यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, अगर ये जो सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन पे अगर एक मिथिल ग्रुप लगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस कंपाउंड को क्या हो रहा है, इसमें वन टू सेकंड कार्बन पे कौन सा ग्रुप लगा, मिथिल ग्रुप, और कार्बन कितने है, एक दो तीन चार, अगर चार कार्बन है और सेकंड कार्बन पे अगर एक मिथिल ग्रुप लगा है तो इट इज कॉल्ड आइसोब्यूटील। ये सब आपको लिख लेने हैं, ध्यान में रखना, वीडियो को पॉज पॉज करके लिखना है। और अगर आपको वीडियो मतलब क्या डाटा या कनेक्शन या स्पीड अगर बराबर नहीं मिल रही तो पहले वीडियो को डाउनलोड करते कर लेते जाओ और डाउनलोड करके फिर बाद में देखते जाओ तो फिर स्पीड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो डोंट वरी। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग, डायरेक्ट नीचे डाउनलोड का ऑप्शन होता है उसके ऊपर क्लिक कर लेना तो वो खुद होकर डाउनलोड हो जाता है। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट इट इज विच ब्यूटील, आइसो ब्यूटील। क्या कॉन्सेप्ट है? सेकंड नंबर कार्बन वन मिथिल ग्रुप एंड डैश इज अटैच टू सेकंड नंबर कार्बन वन मिथिल ग्रुप एंड डैश इज अटैच टू प्राइमरी कार्बन देन इट इज कॉल्ड आइसो ब्यूटील। और इसी तरह और एक कंपाउंड होता है, आप इसको भी देख सकते हो, सेकंड नंबर कार्बन टू मिथिल ग्रुप एंड डैश इज अटैच टू टर्शरी कार्बन, तो टोटल कार्बन आर हियर थ्री, वन टू थ्री एंड फोर, फोर एंड डैश इज अटैच टू, दिस इज अ कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच टू थ्री अदर कार्बन सो इट इज अ टर्शरी कार्बन, एज द डैश इज अटैच टू टर्शरी कार्बन सो इट्स नेम इज अ टर्शरी ब्यूटील। तो इस तरह वहां पे प्राइमरी है, सेकेंडरी है एंड टर्शरी है एंड यू आर गेटिंग दिस दैट इज वॉट टर्शरी ब्यूटील। एंड इन दिस वे वी कैन हैव मिथिल, इथिल, नेक्स्ट आइसोब्यूटील, टर्शरी ब्यूटील एंड दिस इज द सेकेंडरी ब्यूटील। इस तरह हमारे जो कंपाउंड्स है we are getting this methyl, ethyl, isobutyl, tertiary butyl and secondary butyl. So, is tarah hamare sab ye compounds hai. After having these different compounds, one more thing we are discussing here. So, ye ho gaye common name of alkyl group. Aur jo hame important hote hai to write the which name, common name of ether. So, isliye abhi common name of ether kaise likhna hai? Hame pata hai, हमारे पास दो टाइप के इथर होते हैं, एक होता है सिंपल इथर और दूसरा होता है मिक्स इथर। सिंपल इथर आप सबको पता है, सिंपल इथर मतलब जिसमें दोनों भी अल्किल ग्रुप कैसे होते हैं, सेम। तो हम पहले
सिंपल इथर का नाम लिखना, सिंपल इथर का कॉमन नेम लिखना सीखते हैं। यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट द सिंपल इथर। आई कैन जस्ट टेक अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल हियर। यू कैन सी दिस इज इथिल ऑक्सीजन एंड दिस वन इज ऑल्सो इथिल। सो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों अल्किल ग्रुप सेम है। सिंपल इथर को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर ओ आर, दोनों अल्किल ग्रुप कैसे है सेम। तो इसलिए सिंपल इथर का जो कॉमन नेम है सी एन स्टैंड फॉर कॉमन नेम, सिंपल इथर का कॉमन नेम है हम लिखते हैं ये अल्किल है ये अल्किल है। सो देयर कॉमन नेम इज रिटन एज डाई अल्किल इथर, डाई अल्किल इथर। तो ध्यान में रखेंगे कॉमन नेम ऑफ सिंपल इथर इज रिटन एज डाई अल्किल इथर। सिंपल इथर का कॉमन नेम हम लिख सकते हैं डाई अल्किल इथर, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। अब ये हो गया जनरल में हो गया कॉमन नेम उसका डाई अल्किल इथर। दोनों भी अल्किल ग्रुप सेम रहेंगे, उस अल्किल ग्रुप का नाम लिखना अभी अभी हमने देखा है हाउ टू राइट द नेम ऑफ अल्किल ग्रुप और फिर उस अल्किल ग्रुप से इथर का नाम लिखना। तो यहाँ पे ये इथिल है ए इथिल है, कितने इथिल है दो। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज डाई इथिल इथर, डाई सी एच थ्री सी एच टू इथिल, कितने इथिल है दो। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज अ डाई इथिल इथर, नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज अ डाई इथिल इथर। तो डाई इथिल इथर ये उसका कौन सा नेम है कॉमन नेम, समझ गए सब। हाउ टू राइट द नेम ऑफ सिंपल इथर, डू यू अंडरस्टैंड। नेम ऑफ सिंपल इथर इज रिटन एज डाई अल्किल इथर। सब अच्छे से बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे, सिंपल है सादा है बेचारा। कैसा नाम लिखना है उसका डाई अल्किल इथर, दोनों अल्किल ग्रुप सेम है सो वी राइट इट्स नेम एज अ डाई अल्किल इथर। अब ये हो गया सिंपल नेम, अभी हम उसका लिखेंगे आईयूपीएसी नेम। तो सिंपल इथर का नाम हमने लिख लिया है, अभी हम देखेंगे कौन सा नेम आईयूपीएसी नेम बाद में देखेंगे, पहले हम मिक्स इथर का भी नाम देख लेते हैं। हाउ टू राइट द नेम ऑफ विच इथर मिक्स इथर। अब मिक्स इथर में कैसा रहता है, इन केस ऑफ मिक्स इथर द बोथ द अल्किल ग्रुप्स आर नॉट सेम, अल्किल ग्रुप्स आर डिफरेंट, सो वी रिप्रेजेंट इट बाय आर ओ आर डैश। मिक्स इथर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर ओ आर डैश, आर ओ आर डैश इज रिप्रेजेंटेड बाय वॉट दिस इज नथिंग बट द मिक्स इथर एंड देयर टू अल्किल ग्रुप्स आर नॉट सेम। तो यहाँ पे इसलिए जो अल्किल ग्रुप्स होते हैं तो उनके पहले नाम लिखे जाते हैं और उसके बाद अल्फाबेटिकली जिसका नाम पहले आता है उसका नाम पहले लिखा जाता है और अल्फाबेटिकली जिसका नाम बाद में आता है उसका बाद में लिखा जाता है। और इसलिए पहले एक अल्किल का नाम लिखा जाता है और बाद में दूसरे अल्किल का नाम लिखा जाता है। सो फिर उसका नाम हो गया अल्किल अल्किल और एंड में लगाया जाता है इथर, सो इट्स नेम इज रिटन एज अल्किल अल्किल इथर। दिस इज द कॉमन नेम ऑफ इथर इन जनरल। जनरल में हम इथर का कॉमन नेम कैसे लिखेंगे समझ गए, बहुत इजी है, इससे इजी कोई तरीका हो ही नहीं सकता। कैसे लिखेंगे बहुत इजी है, क्या करना अल्किल ग्रुप देख लेना दोनों भी, उन दो अल्किल ग्रुप में जिस उसके नाम देख लेना। मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ले रहा हूं, जैसे आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ सी एच थ्री ओ सी एच टू सी एच थ्री। आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक है सी एच थ्री मतलब मिथिल और दूसरा है सी एच टू सी एच थ्री, दैट सी एच टू सी एच थ्री इज वॉट इथिल। अब इथिल का फर्स्ट लेटर है ई और मिथिल का फर्स्ट लेटर है यम, और अगर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे तो कौन पहले आएगा, ई पहले आएगा कि यम पहले आएगा, तो उसके लिए आपको ए बी सी डी बोलनी पड़ेगी। तो ए बी सी डी ई पहले कौन आ रहा है ई, वो तो आपको लर्न है, वो लर्न करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है सुना। तो पहले कौन आएगा ई, और इसलिए पहले हम नाम किसका लिखेंगे इथिल का और बाद में नाम किसका लिखेंगे मिथिल का, और इसलिए पहले नाम आएगा इथिल का और बाद में नाम आएगा मिथिल का, और इसलिए हम पहले इसका नाम लिखेंगे क्या है इथिल, फिर उसका नाम लिखेंगे क्या है मिथिल, फिर पूरा नाम लिखेंगे इथिल मिथिल इथर। क्या नाम लिखेंगे इथिल मिथिल इथर। सो कीप इन योर माइंड इन दिस वे वी राइट इट्स विच नेम आई यू कॉमन नेम इथिल मिथिल इथर। सो इन दिस वे वी हैव सीन द हाउ टू राइट द कॉमन नेम
and common name. So its common name will be ethyl methyl ether. ध्यान रखेंगे अच्छे से, ठीक है? एक बार समराइज कर रहा हूँ. We are discussing about the common name of simple ether and mixed ether. Simple ether का common name general में लिखते dialkyl ether और mixed ether का common name लिखते alkyl alkyl ether. दो alkyl group वहाँ पे पहले लिखना है, लेकिन उन दो alkyl group में जिस alkyl group का alphabetically word पहले आता होगा, alphabetically उन दोनों alkyl group को लिखना है. Alphabetically लिखना है मतलब कैसा, उनके नाम देखना है, नाम का first letter देखना है, और फिर वो उन दोनों में से जो पहले आता है ABCD में उसको पहले लिखना है, बाद में दूसरे को लिखना है. एग्जांपल मैंने बता दिया है. सो दिस इज अबाउट देयर रिच नेम, कॉमन नेम. आफ्टर डिस्कसिंग देयर कॉमन नेम, वी राइट देयर IUPAC नेम. अभी IUPAC नेम कैसे लिखना है इथर का. अब पहले यहां पे भी दो टाइप के इथर्स हमारे पास है. सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द IUPAC नेम्स ऑफ इथर. अब IUPAC नेम्स ऑफ इथर, जैसे मैंने बताया कि हमारे पास दो टाइप के इथर है, वन इज सिंपल इथर एंड अनदर इज मिक्स इथर. तो फर्स्ट वी स्टडी इन केस ऑफ मिक्स इथर. आप सबको पता है जो मिक्स इथर होता है, उस मिक्स इथर में दो अल्किल ग्रुप कैसे होते हैं, डिफरेंट. एंड एज द टू अल्किल ग्रुप्स आर डिफरेंट, यहां पे दो अल्किल ग्रुप है, एक है CH3 जिसमें सिर्फ एक कार्बन है, दूसरा है CH3CH2 दैट इज इथिल जिसमें दो कार्बन है. अब मिथिल में एक कार्बन है और इथिल में दो कार्बन है. अब मिथिल में एक कार्बन है, इथिल में दो कार्बन है, इसकी वजह से क्या होगा, इसमें एक ही कार्बन है, सो इट इज द स्मॉलर अल्किल ग्रुप. कौन सा अल्किल ग्रुप है ये, स्मॉलर अल्किल ग्रुप, और इसमें दो कार्बन है, सो इट इज द लार्जर अल्किल ग्रुप. तो हमारे पास दो टाइप के अल्किल ग्रुप है, वन इज अ स्मॉलर अल्किल ग्रुप एंड अनदर इज अ लार्जर अल्किल ग्रुप. इथिल इज अ लार्जर अल्किल ग्रुप एंड मिथिल इज अ स्मॉलर अल्किल ग्रुप बिकॉज इट कंटेन ओनली वन कार्बन. इट इज द लार्जर अल्किल ग्रुप बिकॉज इट कंटेन टू कार्बन. तो ये जो हमारा स्मॉलर अल्किल ग्रुप है, ये जो हमारा स्मॉलर अल्किल ग्रुप है और ये लार्जर अल्किल ग्रुप है. अब आपको उसका IUPAC नेम कैसे लिखना है. तो यहाँ पे जो स्मॉलर अल्किल ग्रुप है, उस अल्किल ग्रुप का क्या लिखना है, नाम. अब जनरल में मैं अल्किल ही लिख रहा हूं. उसका नाम लिखने के बाद उसका निकालना YL और उसको लगाना OXY. क्यों लगाया, क्योंकि ये किसको लगा हुआ है, ऑक्सीजन को. तो ऑक्सीजन को लगाया है, तो स्मॉलर अल्किल ग्रुप और ऑक्सीजन इन दोनों को कंसीडर करते हैं सब्स्टिट्यूएंट. कल हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी इथर की, उसमें हमने देखा था हाइड्रो व्हाट अल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन. क्या पढ़ा था, अल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन और अल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन. मतलब ये एक अल्केन है और इसमें का हाइड्रोजन निकाल के हमने यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगाया है, अल्कोक्सी ग्रुप लगाया है. यह एक अल्केन है और इसमें का हाइड्रोजन निकाल के हमने इसमें कौन सा ग्रुप लगाया है, अल्कोक्सी ग्रुप लगाया है, मिथॉक्सी ग्रुप लगाया है, और इसलिए इसका नाम रहेगा मिथॉक्सी मिथेन. मतलब अल्कोक्सी, समझ गए. जो छोटा अल्किल ग्रुप है उसको, उसके नाम को क्या लगाना है, ओ एक्स वाई दैट इज ऑक्सी. तो जो स्मॉलर अल्किल ग्रुप है उसके नाम को जोड़ना है आपको ओ एक्स वाई, और उसके नाम को ओ एक्स वाई जोड़ने के बाद आपको जो मिलेगा क्या मिलेगा, अल्कोक्सी. क्या मिलेगा आपको, अल्कोक्सी. तो छोटा अल्किल ग्रुप है उसके नाम को आप क्या जोड़ेंगे, ऑक्सीजन, तो फिर नाम हो जाएगा अल्कोक्सी. और जो बड़ा अल्किल ग्रुप है उसका कर देना है अल्केन. ध्यान में रखेंगे, छोटा अल्किल ग्रुप का बनाएंगे अल्कोक्सी और बड़ा अल्किल ग्रुप का बनाएंगे अल्केन, और फिर उस कंपाउंड का नाम लिखेंगे आप अल्कोक्सी अल्केन. क्या नाम लिखेंगे, अल्कोक्सी अल्केन. और अल्कोक्सी जैसे यहाँ पे दो ही कार्बन है, तो हमारा इसको एक सब्स्टिट्यूएंट करके हम कंसीडर करते हैं. क्या कंसीडर करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट. और सब्स्टिट्यूएंट कौन हो गया, अल्कोक्सी. जो भी उसका
एक कार्बन है तो मिथॉक्सी, दो कार्बन है तो इथॉक्सी, तीन कार्बन है तो प्रोपॉक्सी, चार कार्बन है तो ब्यूटॉक्सी, इस तरह उनके नाम रहेंगे। और इससे यह हो गया मिथॉक्सी, तो इट्स नेम इज अ अल्कोक्सी अल्केन और इट्स नेम इज अ मिथॉक्सी इथेन, जो भी अभी नाम मैं लिखा के दूंगा आपको। तो अल्कोक्सी अल्केन, तो इस कंपाउंड का नाम है, छोटा अल्किल ग्रुप मिथिल है और इसलिए यहां पे लिखना पड़ेगा मिथॉक्सी। क्या लिखना पड़ेगा? मिथॉक्सी। और दो कार्बन वाला अल्केन का नाम होता है मिथेन, दो कार्बन वाले अल्केन का नाम होता है इथेन। सो ये कंपाउंड का पूरा नाम होगा मिथॉक्सी इथेन। क्या होगा कंपाउंड का पूरा नाम? मिथॉक्सी इथेन। क्यों लिखा हमने मिथॉक्सी इथेन, डू यू अंडरस्टैंड? तो हम इसका नाम लिखेंगे मिथॉक्सी इथेन, ठीक है। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इथर। क्या देख रहे हैं हम? इथर, इधर नहीं, क्या? इथर, नहीं तो बहुत सारे लोग इधर इधर ही बोलते रहते हैं, उसको ध्यान में रखेंगे। क्या पढ़ रहे हैं हम? इथर। और इथर का हम पढ़ रहे आईयूपीएसी नेम, इट इज रिटन एज अल्कोक्सी अल्केन। लेकिन कुछ बड़े एग्जाम्पल्स में क्या होता है, जैसे आई एम टेकिंग हियर द वन मोर एग्जाम्पल, CH3O, CH2CH एंड हियर देयर इज CH3। यहाँ पे भी दो अलग अलग अल्किल ग्रुप यहाँ पे लगे हैं, एक है मिथिल और एक है आइसोप्रोपिल। कितने अल्किल ग्रुप यहाँ पे लगे हैं? दो, तो एक है मिथिल और एक है आइसोप्रोपिल। अब ये जो मिथिल है तो इसका हो गया छोटा अल्किल ग्रुप मिथिल है और इसलिए ये हो गया मिथॉक्सी, मिथॉक्सी। और इसमें तीन कार्बन है, तीन कार्बन वाला अल्केन होता है प्रोपेन, तीन कार्बन वाला अल्केन होता है प्रोपेन, तो फिर इसका नाम हो गया मिथॉक्सी प्रोपेन। लेकिन यहां पे जो मिथॉक्सी ग्रुप है, अब ये हो गया अल्केन, तो अल्केन में अभी क्या है, यहां पे दो पॉसिबिलिटी है, ये मिथॉक्सी ग्रुप यहां पे भी लग सकता था या मिथॉक्सी ग्रुप यहां पे भी लग सकता था। और इसलिए तो मिथॉक्सी ग्रुप एक्चुअली कौन से कार्बन पे लगा है ये भी आपको वहां पे इंडिकेट करना पड़ता है। और इसलिए जो अल्केन का बड़ा अल्किल ग्रुप होता है उसमें नंबरिंग करनी पड़ती है किसी भी एक एंड से। जैसे मैं इधर से नंबरिंग करूं तो ये हो गया 1, 2, 3, तो ये मिथॉक्सी ग्रुप कौन से कार्बन पे लगा है? सेकंड, जिसको हम कहेंगे पोजीशन ऑफ अल्कोक्सी ग्रुप। तो इसलिए आपको पहले लिखनी पड़ती है पोजीशन ऑफ अल्कोक्सी ग्रुप, पोजीशन ऑफ अल्कोक्सी ग्रुप, उसके बाद नेम ऑफ अल्कोक्सी ग्रुप और उसके बाद नेम ऑफ पेरेंट अल्केन, नेम ऑफ पेरेंट अल्केन। और इसलिए यहां पे पोजीशन सेकंड है तो फिर इसका नाम होगा 2-methoxypropane। क्या नाम होगा कंपाउंड का? 2-methoxypropane। और इस तरह आपको उसका क्या लिखना है? आईयूपीएसी नेम। कॉमन नेम कैसे लिखना है मैंने आपको बताया है, कैसे लिखना है कॉमन नेम? सिंपल है, डाय अल्किल इथर मिक्स है, अल्किल अल्किल इथर, अल्किल ग्रुप के नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखना है। और अगर उसका आईयूपीएसी नेम लिखना है तो आपको क्या करना है, छोटे अल्किल ग्रुप को अल्कोक्सी कंसीडर करना है, बड़े को अल्केन, फिर बड़े अल्किल ग्रुप में नंबरिंग करनी है किसी भी एक एंड से, नंबरिंग उस एंड से करेंगे जो वो जो अल्कोक्सी है उसको मिनिमम नंबर दे। उसके बाद आपको क्या करना है, पहले पोजीशन ऑफ अल्कोक्सी ग्रुप, अल्कोक्सी ग्रुप कौन से नंबर के कार्बन पे लगा है वो नंबर आपको लिखना है, उसके बाद नेम ऑफ अल्कोक्सी ग्रुप आपको लिखना है, नेम ऑफ अल्कोक्सी ग्रुप जो है, और उसके बाद नेम ऑफ पेरेंट अल्केन, बड़े अल्किल ग्रुप में कितने कार्बन है उसके रिलेटेड अल्केन आपको लिखना है। अभी आपके मन में सवाल होगा, अगर वो सिंपल है तो उसका नाम कैसे लिखें? तो सिंपल है तो उसका नाम लिखने के लिए आपको दोनों भी अल्किल ग्रुप सेम रहेंगे, जब दोनों सेम रहेंगे तो एक को अल्कोक्सी बना लो, एक को अल्के, कोई चेंज उसमें नहीं होगा। जैसे एक डाइमिथिल ईथर है तो मिथॉक्सी मिथेन, डाइथिल ईथर है इथॉक्सी इथेन। हम अभी कुछ एग्जांपल्स लेंगे, उस एग्जांपल में आपको ये सब बातें क्लियर होंगी। आईयूपीएसी नेम कैसे लिखना है ये आपको यहाँ पे मैंने बॉक्स में लिखा के दिया है, पोजीशन ऑफ अल्कोक्सी, नेम ऑफ अल्कोक्सी, नेम ऑफ अल्केन, ये सब आप अच्छे से लिख लेंगे पॉज करके। अभी हम देखेंगे हाउ टू राइट द आईयूपीएसी नेम एंड कॉमन नेम, अभी देखे हमने
हम देखेंगे अभी उसके एग्जांपल्स। तो अभी हमने देखा हाउ टू राइट द कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम। तो नाउ वी हैव टेकन द नंबर ऑफ डिफरेंट एग्जांपल्स एंड वी आर सीइंग हाउ टू राइट देयर कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम। कॉमन नेम मैंने नंबर ऑफ इथर्स यहाँ पे ले लिए हैं और इथर्स के साथ साथ यहाँ पे वी हैव टू राइट देयर कॉमन नेम। कॉमन नेम सिंपल है तो वी राइट इट इज डायल्किन इथर, मिक्स है तो अल्किल अल्किल इथर। और आईयूपीएसी नेम पोजिशन ऑफ अल्कॉक्सी, जो एक स्मॉल अल्किल ग्रुप होता है, स्मॉलर अल्किल ग्रुप और लार्जर अल्किल ग्रुप का हम करते हैं अल्केन। तो सबसे पहला कंपाउंड हम लेते हैं जो हमने ऑलरेडी लिया हुआ है, लेकिन एक बार फिर से ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों भी अल्किल ग्रुप सेम है, तो दोनों ये हो गया सिंपल। और इसका नाम है CH3 का नाम है मिथिल, सो इट्स कॉमन नेम इज अ डायमिथिल इथर। इट्स कॉमन नेम इज अ डायमिथिल इथर। आप सभी को भी लिखना है, पहले समझ के लेना है, बाद में लिखना है। वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट बात, नया टेक्स्ट बुक PDF फॉर्म में आया हुआ है, तो जिनके पास ये टेक्स्ट बुक नहीं है उन्होंने मुझे इस नंबर पे रिक्वेस्ट भेजनी है, 9673733128। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो वो जो नया टेक्स्ट बुक है तो वो आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। सो नाउ वी हैव दिस व्हाट डायमिथिल इथर। और जो नया सिलेबस आया है उसमें टेक्स्ट बुक में बहुत शॉर्ट शॉर्ट में दिया हुआ है ये इथर यूनिट या इसके नॉमेंक्लेचर वगैरह, लेकिन अगर हमें यूनिट को पढ़ना है तो उसके नाम हमें पता होनी चाहिए। तो इसलिए हम उसको मतलब टेक्स्ट बुक में कम दिया है, लेकिन हम उससे थोड़ा ज़्यादा पढ़ रहे हैं टू हैव द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। सो डोंट वरी, कम बैक। तो यहाँ पे हमारे पास है दो मिथिल ग्रुप सेम है, सो इट इज सिंपल, सो इट्स नेम इज रिटन एज डाई अल्किल इथर। अल्किल का नाम है मिथिल, सो हमने लिख दिया डायमिथिल इथर। अब इसका आईयूपीएसी नेम हम लिखते हैं। आईयूपीएसी नेम के लिए है तो यहाँ पे दोनों अल्किल सेम है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, और इसलिए हम क्या करते हैं, एक का अल्कॉक्सी बनाते हैं और एक का अल्केन। और यहाँ पे एक ही कार्बन वाला है इसलिए पोजीशन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये इसका हो गया एक मिथिल का वाइल निकाल के ऑक्सी लगाया तो हो गया मिथॉक्सी, और एक कार्बन वाले अल्केन का नाम हो गया मिथेन, तो इसका पूरा नाम हो गया। आईयूपीएसी नेम लिखते समय फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखना है, तो फिर उसका नाम हो गया मिथॉक्सी और पेरेंट एक कार्बन वाला अल्केन है, सो इट्स नेम इज अ मिथेन। तो कंपाउंड का पूरा नाम हो गया मिथॉक्सी मिथेन। क्या नाम हो गया कंपाउंड का? मिथॉक्सी मिथेन। तो इस तरह हमें ये कंपाउंड मिल रहा है जिसका नाम है मिथॉक्सी मिथेन। अब ये जो दूसरा है, दूसरे कंपाउंड में हम ये देखते हैं, यहाँ पे एक अल्किल ग्रुप है मिथिल और दूसरा अल्किल ग्रुप है इथिल। आप सबको बताएं ये जो मिथिल है, मिथिल इज अटैच टू ऑक्सीजन, सो इट इज द मिथॉक्सी। यहाँ पे पहले हम उसका कॉमन नेम लिखते, दो अल्किल ग्रुप डिफरेंट है सो इट इज अ मिक्स इथर। और मिक्स में हम पहले इसका नाम है इथिल का है फर्स्ट लेटर ई, मिथिल का फर्स्ट लेटर है यम, अल्फाबेटिकली कौन आता है पहले ई, और इसलिए हम इसका नाम लिखेंगे इथिल मिथिल इथर। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा इथिल मिथिल इथर। सो नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी इथिल मिथिल इथर। अब उसका हम पूरा नाम अगर लिखेंगे तो हाउ टू राइट द आईयूपीएसी नेम। अब इसमें ये बड़ा अल्किल ग्रुप है, ये छोटा अल्किल ग्रुप है, छोटे अल्किल ग्रुप का बनाएंगे अल्कॉक्सी, तो फिर एक कार्बन वाले अल्केन का नाम है मिथेन, तो उसका होगा मिथॉक्सी, और ये पेरेंट का नाम इथेन। सो नेम ऑफ द कंपाउंड इज व्हाट? मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन। सो ये दूसरा कंपाउंड का नाम हमने आईयूपीएसी नेम लिख दिया, छोटे को बनाया अल्कॉक्सी, बड़े को बनाया अल्केन। आप बोलेंगे इसमें पोजिशन क्यों नहीं लिखी, तो पोजीशन इधर से देखेंगे तो 1-2 फर्स्ट पोजीशन पे लगा है, तो 1 मिथॉक्सी इथेन बोल सकते, लेकिन यहाँ पे इधर से लगा तब भी 1 मिथॉक्सी इथेन ही बनेगा, इसलिए उसमें और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए हम उसको पोजीशन से वगैरह इंडिकेट नहीं करते, किया तो वो कोई रॉन्ग नहीं है। सो इट इज द 1 मिथॉक्सी इथेन और मिथॉक्सी इथेन। अब हम नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं, यहाँ पे CH3CH2O, दिस इज द 1 अल्किल ग्रुप, इट्स नेम इज अ इथिल ग्रुप।
एक अल्किल ग्रुप है जिसका नाम है इथिल ग्रुप, और ये दूसरा है जिसमें एक दो तीन तीन कार्बन है, इसका नाम है प्रोपिल, और ऑक्सीजन प्राइमरी कार्बन को लगा है, सो इट इज द एन प्रोपिल। तो यहाँ पे जो दो अल्किल ग्रुप है वो डिफरेंट है, और इसलिए हम ये इसको मिक्स इथर कहते हैं, और इसमें अल्फाबेटिकली उसका नाम लिखना पड़ता है अल्किल का, इथिल का ई, प्रोपिल का या एन का एन जो बाद में आता है, और इसलिए पहले हम इसका नाम लिखेंगे, सो इट्स नेम इज अ इथिल, उसके बाद एन प्रोपिल, और एंड में लिखेंगे इथर। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज इथिल एन प्रोपिल इथर, कंपाउंड का नाम होगा इथिल एन प्रोपिल इथर, समझ रहे हो आप। उसी तरह अभी यहाँ पे अभी हम उसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। अब आईयूपीएसी नेम में यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे तीन कार्बन है, तो ये लार्जर अल्किल ग्रुप होगा, इसका अल्केन बनेगा, और इसमें दो कार्बन है, इट इज अ स्मॉलर अल्किल ग्रुप, और इसलिए इसका क्या बनेगा, अल्कॉक्सी। तो यहाँ पे अल्कॉक्सी, दो कार्बन है ऑक्सीजन को लगे है, तो उसका बनेगा इथॉक्सी, और नंबरिंग हम यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर के कार्बन को ही ये मिथॉक्सी ग्रुप, सॉरी इथॉक्सी ग्रुप लगा है, और इसलिए पहले हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ अल्कॉक्सी ग्रुप, स्मॉलर अल्किल ग्रुप को अल्कॉक्सी बनाया, पोजीशन ऑफ अल्कॉक्सी, क्या है पोजीशन ऑफ अल्कॉक्सी, पोजीशन ऑफ अल्कॉक्सी इज वन, तो इसलिए लिखा वन। नेम ऑफ अल्कॉक्सी ग्रुप, ये जो अल्कॉक्सी ग्रुप है उसका नाम है इथॉक्सी, आईयूपीएसी नेम है, इसलिए फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे, तो हो गया वन इथॉक्सी, और चेन में तीन कार्बन है, तीन कार्बन वाला अल्केन होता है प्रोपेन, तो उसका पूरा नाम हो गया वन इथॉक्सी प्रोपेन, क्या हो गया कंपाउंड का नाम, वन इथॉक्सी प्रोपेन। इन दिस वे वी हैव टू राइट द विच नेम, आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम हो गया वन इथॉक्सी प्रोपेन। अब ये दूसरे टाइप का कंपाउंड है जिसमें आप देख सकते हैं एक CH3 है, एक C6H5, आप सबको पता है ये जो C6H5 है इट इज द बेंजीन रिंग जिसमें से एक हाइड्रोजन निकाला हुआ है, उसको हम कहते हैं फेनिल, क्या नाम होता है इसका, फेनिल, और इसीलिए इसको जब हम नाम लिखेंगे तो इसमें ये भी एक मिक्स इथर है जिसमें फेनिल का फर्स्ट लेटर P और मिथिल का फर्स्ट लेटर है M, और आप सबको पता है अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है, यम, और इसलिए पहले नाम लिखेंगे मिथिल का और बाद में नाम लिखेंगे फेनिल का, तो फिर उसका कॉमन नेम हो जाएगा मिथिल, उसके बाद फेनिल, और एंड में लिखेंगे इथर, मिथिल फेनिल इथर, क्या नाम लिखेंगे, मिथिल फेनिल इथर, तो ध्यान में रखेंगे इट्स कॉमन नेम विल बी मिथिल फेनिल इथर। नेक्स्ट, आफ्टर हैविंग दिस मिथिल फेनिल इथर, वन मोर थिंग वी आर डिस्कसिंग हियर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द मिथॉक्सी ग्रुप, ये एक कार्बन वाला है, ये छह कार्बन वाला है, छह कार्बन वाला बड़ा होता है, और इसलिए ये हो गया लार्जर अल्किल ग्रुप और ये हो गया स्मॉलर अल्किल ग्रुप, और इसका पैरेंट होता है C6H6 दैट इज बेंजीन, और इसलिए इसका पैरेंट है बेंजीन, और ये हो गया स्मॉलर अल्किल ग्रुप दैट इज अल्कॉक्सी, एक कार्बन वाला है इसलिए हम कहते हैं उसको मिथॉक्सी, और इसलिए इसके प्रोडक्ट का मतलब आंसर रहेगा मिथॉक्सी, और इसका अल्केन, इसका रिलेटेड अल्केन मतलब उसका पैरेंट कौन है, बेंजीन, सो इट्स नेम इज अ मिथॉक्सी बेंजीन, सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन, तो इस कंपाउंड का नाम रहेगा मिथॉक्सी बेंजीन। तो यहाँ पे मिथॉक्सी ग्रुप इज अटैच टू बेंजीन रिंग, सो द नेम ऑफ द कंपाउंड इज मिथॉक्सी बेंजीन, आफ्टर हैविंग दिस मिथॉक्सी बेंजीन, यहाँ पे आप देख सकते हो, और इसको एक स्पेशल नाम भी दिया हुआ है, स्पेशल कॉमन नेम दिया हुआ है इसको, इसको कहते हैं एनिजोल, सब अच्छे से ध्यान में रखेंगे, अपने बुक में लिख लेंगे, सबके बुक में सब कुछ लिख के होना चाहिए, सो इसका नाम है मिथॉक्सी फेनिल इथर, और वी कैन से इट इज एनिजोल, क्या है ये, एनिजोल, ध्यान में रखेंगे, जब बेंजीन रिंग को OCH3 रखता है तो कंपाउंड का कॉमन नेम होता है एनिजोल, और वी कैन से मिथिल फेनिल इथर। सेकंडली अभी ये जो है यहाँ पे इथिल ग्रुप इज अटैच टू C6H5 दैट इज फेनिल, एज इथिल ग्रुप इज अटैच टू C6H5 सो इथिल का ई, फेनिल का पी, तो इसलिए इथिल ही पहले आएगा, सो इथिल फेनिल इथर,
इसका एक नाम रहेगा इथिल फेनिल इथर, एक नाम रहेगा इथिल फेनिल इथर, और जो दूसरा नाम है, दूसरा नाम इसको कहते हैं फेनिटॉल, एक दूसरा स्पेशल नाम इसको दिया गया है, दैट इज कॉल्ड फेनिटॉल, दैट इज द स्पेशल नेम गिवन टू दिस कंपाउंड। वहां पे भी पेरेंट, यहाँ पे दो कार्बन है और यहाँ पे छह कार्बन है, इसलिए ये बड़ा अल्किल ग्रुप हो गया, ये छोटा, तो इसलिए ये अल्कोक्सी बनेगा, दो कार्बन वाले अल्कोक्सी का नाम होता है इथॉक्सी और ये बेंजीन, तो फिर कंपाउंड का नाम हो गया इथॉक्सी बेंजीन, और इसलिए इसके कंपाउंड का नाम हो जाएगा इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन। तो वी आर गेटिंग दिस वेरी गुड कंपाउंड, इट्स नेम इज अ इथॉक्सी बेंजीन, तो उसका नाम था मिथॉक्सी बेंजीन, इसका नाम है इथॉक्सी बेंजीन। आफ्टर हैविंग दिस इथॉक्सी बेंजीन एंड मिथॉक्सी बेंजीन, अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है, इस कंपाउंड में आप देख सकते हो कि हियर वी हैव दिस व्हाट CH3 दैट इज द मिथिल ग्रुप, ये CH2O और ये आइसोप्रोपिल है, कौन है ये आइसोप्रोपिल, तो इसमें दो कार्बन है, इसमें तीन कार्बन है, सेकंड नंबर कार्बन पे मिथिल ग्रुप लगा है, सो इट इज आइसोप्रोपिल ग्रुप एंड इट इज मिथिल ग्रुप, मिथिल पहले आता है, प्रोपिल बाद में आता है, सो वी कैन राइट द नेम ऑफ दिस ग्रुप एज अ मिथिल आइसोप्रोपिल इथर। हमने मेन ग्रुप का नाम देखना है, मेन ग्रुप का नाम है मिथिल और इसका तीन कार्बन वाले का प्रोपिल, तो मिथिल का यम, प्रोपिल का पी, कौन आता है पहले एम, सो इस कंपाउंड का नाम होगा मिथिल आइसोप्रोपिल इथर, इथिल आइसोप्रोपिल इथर, इथिल आइसोप्रोपिल इथर, दिस विल बी इट्स पिच नेम, कॉमन नेम। ठीक है, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट इसका IUPAC नेम। अब इसका IUPAC नेम कैसे देखेंगे, यहाँ पे दो कार्बन है, यहाँ पे तीन कार्बन है, तो जो तीन कार्बन वाला है वो हो गया पेरेंट अल्केन, और जो दो कार्बन वाला है वो हो गया सिंपल, तो ये अल्केन कितने कार्बन वाला है, तीन, तीन कार्बन वाले अल्केन को हम कहते हैं प्रोपेन, कितने कार्बन वाले को, तीन, तीन कार्बन वाले को हम कहते हैं प्रोपेन, तो इसमें कितने कार्बन हो गए, तीन, एंड ये जो ग्रुप आपको दिख रहा है अल्कोक्सी ग्रुप, इथॉक्सी ग्रुप, इट इज अटैच टू दैट, सो वन टू एंड थ्री, वन टू एंड थ्री, सो यहाँ पे यू कैन सी दिस ग्रुप, दिस इज द इथॉक्सी ग्रुप एंड दिस इथॉक्सी ग्रुप इज अटैच टू विच कार्बन, सेकंड कार्बन, अगर इथॉक्सी ग्रुप सेकंड कार्बन को लगाए तो यहाँ पे वन टू थ्री, तो यहाँ पे हमें पहले पोजिशन ऑफ अल्कोक्सी लिखनी पड़ेगी, पोजिशन ऑफ अल्कोक्सी है टू, सो टू, नेम ऑफ अल्कोक्सी है इथॉक्सी, सो टू इथॉक्सी, टू इथॉक्सी, चेन में तीन कार्बन है, तीन कार्बन वाले अल्केन का नाम है प्रोपेन, सो इसका पूरा नाम हो गया टू इथॉक्सी प्रोपेन, क्या नाम हो गया कंपाउंड का, टू इथॉक्सी प्रोपेन, सो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज टू इथॉक्सी प्रोपेन, तो इस तरह हमारे पास ये कंपाउंड मिल रहा है जिसका नाम है टू इथॉक्सी प्रोपेन, सो आफ्टर गेटिंग दिस टू इथॉक्सी प्रोपेन, वन मोर थिंग वी आर डिस्कसिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो CH3 CH CH3 CH3 CH CH3, दोनों अल्किल ग्रुप सेम है, सेम है तो क्या करेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको हिंट बता रहा हूं और ये दो एग्जांपल आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, और ये दोनों के नाम मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेजेंगे, ठीक है, तो मैं आपको ओरली बता रहा हूं, आप लिख के भेजेंगे, देखो क्या है, ये है आइसोप्रोपिल सेकंड नंबर कार्बन वन मिथिल ग्रुप तो आइसोप्रोपिल, ये भी सेकंड नंबर कार्बन वन मिथिल ग्रुप तो आइसोप्रोपिल, तो दोनों कौन हो गए आइसोप्रोपिल, सिंपल है, तो इसका नाम कैसे आएगा, दो आइसोप्रोपिल है, सो इट्स नेम विल बी डाई आइसोप्रोपिल इथर, तो ये हो गया उसका कौन सा नेम, कॉमन नेम। अब IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, IUPAC नेम लिखने के लिए क्या तरीका है कि वन टू थ्री, और ये हो गया एक अल्किल, और इसको बोलेंगे आइसोप्रोपॉक्सी, क्या कहेंगे आइसोप्रोपॉक्सी, पोजिशन ऑफ अल्कोक्सी ग्रुप इज टू, तो पूरा नाम होगा टू आइसोप्रोपॉक्सी प्रोपेन, क्या नाम होगा टू
isopropoxypropane. So its name will be 2-isopropoxypropane. ठीक है, अब उसी तरह इसका इसमें ये जो ग्रुप है CH3CCH3, it is a tertiary butyl group and it is the methyl group. तो यहाँ पे ये भी आपको होमवर्क है, क्रिटिकल वाले होमवर्क है. नहीं समझा तो मुझे पूछना, व्हाट्सएप पे पूछना या इधर ही कमेंट सेक्शन में पूछना, आई विल एक्सप्लेन. तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है टर्शरी ब्यूटिल, ब्यूटिल का बी और मिथिल का यम, तो इसलिए इसका नाम आएगा टर्शरी ब्यूटिल मिथिल इथर. क्या नाम आएगा? टर्शरी ब्यूटिल मिथिल इथर. ब्यूटिल का बी, मिथिल का यम, टर्शरी ब्यूटिल मिथिल इथर. और प्रोडक्ट इधर जब नाम लिखेंगे तो यहाँ पे 1, 2, 3 कितने सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं. ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है. इसका नाम है मिथॉक्सी और इसका नाम है मिथिल. तो आप मुझे इसका नाम लिख के भेजेंगे, 2-methoxy-2-methylpropane ऐसा आएगा. तो आप इसका नाम मुझे लिख के भेजेंगे और नहीं आया तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा. सो इन दिस वे वी हैव सीन सम एग्जांपल्स ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर. ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर. तो वी हैव डिस्कस अबाउट द IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर. थैंक यू. घर पे रहना है, पढ़ाई करना है. वीडियो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और घर पे ही रह के अच्छे से पढ़ाई करनी है. पूरा 10 घंटे 12 घंटे 8 घंटे 6 घंटे जितना मैक्सिमम हो सके उतना पढ़ना है. ये समय जो का लॉस हो रहा है वो लॉस नहीं होना चाहिए, उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए. और सभी टॉपिक्स प्रिपेयर करने जो जो मैंने वीडियोज डाले हुए हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच.